गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं क्रम फलों के प्रकार पे आ रहे हैं। ठीक है, आपके कोर्स में इससे पहले का कोविड-19 की वजह से हट चुका है, यहाँ से स्टार्ट है फलों के प्रकार। अच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, एकेकी फलन, बहुएकी फलन, ये चार तरह के हैं। दो तरह के और रहे भी, वो हम कल को बताएंगे, पहले इनको समझिए क्या है। अच्छादक फलन का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं इन सबकी इमेज इधर होनी चाहिए, जैसे x1 की fx1, x2 की fx2, x3 की fx3। इसको बोलते हैं हम डोमेन ए को, इसको बोलते हैं को डोमेन, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर। तो इसमें परिसर में, इसमें को डोमेन में हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, सारे एंगल होने चाहिए, सबकी इधर वाले नंबरों की सबकी इमेज इधर होनी चाहिए और इधर वालों की सबकी पूर्व इमेज इधर होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब सबका इधर होना चाहिए। तो अंतःक्षेपी में आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई खाली बचेगा, उसको बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। इसके बाद में एकेकी फलन, एकेकी फलन का मतलब है एक एलिमेंट की केवल एक इमेज, एक का संबंध केवल एक से है, एक का संबंध एक से है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकेकी फलन, यानी कि वन वन फंक्शन, यू हैव मेनी वन फंक्शन, बहु एक फलन। इसमें बहुत का नंबर, बहुत की इमेज एक से होगी, इसको बोलते हैं बहु एक फलन। जैसे x1 x2 की दोनों की जो इमेज है, दोनों का जो प्रतिबिंब है वो fx1 है, ऐसे ही x3 का प्रतिबिंब fx3 है, यानी कि दो या दो से अधिक नंबरों की अगर प्रतिबिंब इधर है तो उसको बोलते हैं बहु एक फलन। तो ये चार प्रकार के फलन है, इनको आप अपनी किताब में रीड करिए। इसके बाद में दो फलन रह गए हमारे, एक तो फलन रह गया हमारा एक एक ही अच्छादक, एक एक ही अंतःक्षेपी, एक रहेगा दो एक ही अच्छादक, दो एक ही अंतःक्षेपी, उसके बारे में आपको कल को डिस्कस करेंगे। आज इनको रीड करिए ध्यान से, फिर कल को आपको इसकी एक्सरसाइज और इसके बचे हुए टाइप्स आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।